बुक में इसके बाद है फंक्शन का टॉपिक, लेकिन हमने इस पॉइंट पे ना एक टॉपिक कवर करना है जो बहुत ज़रूरी है इस पॉइंट पे कवर करना, वो है ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, लास्ट हमने जो टाइम की ये सारी चीज़ें पढ़ी थी तो हमने ये देखा था कि असल में हम क्या करते हैं, जब न्यू डेट ऐसे करते हैं हम, तो हमें न्यू डेट एक ऑब्जेक्ट बना के देता है। सही है। अब वो ऑब्जेक्ट एक डेटा टाइप होती है, एरे की तरह होती है बिल्कुल। इनफैक्ट एरे भी इंटरनली जो है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो हम ज़रा सा आज वो देख लेते हैं कि जो है ना ऑब्जेक्ट होता क्या है। सही है जी। तो मैंने कह दिया 22.es6 ऑब्जेक्ट्स। सही है। और इसको प्यार से जेसन भी कहते हैं। सही है। तो स्लैश इसमें मैं लगा देता हूँ। तो अच्छा, वो स्लैश का मतलब वो डायरेक्टरी समझता है, तो उसने ना उसको डायरेक्टरी कंसिडर कर लिया। सही है। उसने उसको क्या कंसिडर कर लिया कि जो है ना ये डायरेक्टरी है। ठीक है जी। तो ये इंडेक्स डॉट एचटीएमएल का मैंने एक पेज बना दिया और इसके अंदर मैंने बेसिक सी एक ये बात लिख दी H1, और मैंने कहा जी के ES6 जेसन ऑब्जेक्ट्स। सही है। अच्छा, जेसन मैं साथ में ये भी एक लिख देता हूँ छोटा सा पैराग्राफ कि जी जेसन स्टैंड्स फॉर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ठीक है, नोटेशन कहते हैं लिखने के तरीके को। यार थोड़ी बातें ज़रा कम हो जाएंगी तो यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन कम होगी मेरी। तो थोड़ा सा इधर, हाँ ठीक है। जेसन स्टैंड्स फॉर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। सही है। नोटेशन कहते हैं लिखने के अंदाज को। तो जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट को लिखने का जो तरीका है ना, नोटेशन है जो, उसको जेसन कहते हैं। जेसन अलग से भी एक स्टैंडर्ड की सूरत अख्तियार कर गया। तो वैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर जो ऑब्जेक्ट लिखने का जो तरीका है ना बेसिकली, वो जेसन कहलाता है। ठीक है। अच्छा, ये जेसन असल में इसलिए अलग से स्टैंडर्ड बन गया कि जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना इस वक्त, सब में जेसन की सपोर्ट ज़रूर है मौजूद। किसी में बिल्ट इन मौजूद है और किसी में लाइब्रेरी के ज़रिए मौजूद है, लेकिन जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 2023 में इस वक्त मौजूद है ना, सब में जेसन की सपोर्ट मौजूद है। ठीक है, या तो लाइब्रेरी की सूरत में या तो ऑफिशियली। उसका रीज़न ये है कि जेसन जो है वो डेटा इंटरचेंज लैंग्वेज के तौर पर बहुत कन्वीनियंट है डेटा इनपुट आउटपुट के लिए। ठीक है, कोई ये बता सकता है कि डेटा इंटरचेंज लैंग्वेज क्या होती है? अच्छा, और जो यूनिवर्सिटी वाले लड़के बैठे ना, कोई इस बात पे रोशनी डालना चाहेगा? कि जावा जो इंफॉर्मेशन इंटरचेंज जो है वो क्या होता है? मैं वैसे एक बार गूगल पे ये लिख के देख लेता हूँ कि मैं ये सही वर्ड बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ। इंटरचेंज तो इसमें है, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज लैंग्वेज। डेटा इंटरचेंज ही है।
अच्छा, तो ये सारे वो हैं जो डेटा इंटरचेंज में इस्तेमाल होता है। XML, JSON, YAML फाइल है, एक और CSV करके भी है, वो भी बड़ा फेमस है। अच्छा, इसमें होता क्या है कि जब एक मशीन दूसरी मशीन से जब बात करती है ना, तो ज़ाहिर है डेटा एक जगह से दूसरी जगह भेजना होता है, चाहे वो APIs हों, या जैसे मिसाल के तौर पे हम किसी API पे जब रिक्वेस्ट करते हैं और वहाँ से डेटा उठ के आता है हमारे पास, तो वो किसी न किसी फॉर्म में होगा ना यार। वो सीधा स्ट्रिंग में तो नहीं होगा ऑब्वियसली, ठीक है, या तो एरे में होगा। मिसाल के तौर पे एक मैं वेदर का सर्वर कॉल करता हूँ, वेदर के सर्वर से मैं वेदर का डेटा मंगवाता हूँ, तो अब वहाँ से मुझे मिसाल के तौर पे वो चार चीज़ें रिटर्न करता है, एक टेम्परेचर, एक ह्यूमिडिटी, एक मिनिमम टुडे का मिनिमम टेम्परेचर, एक मैक्सिमम, ठीक है। तो मिनिमम, मैक्सिमम, करंट टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, ये चार चीज़ें मुझे वो दैट सर्वर इज सपोज टू सेंड मी दीज फोर इन्फॉर्मेशंस। अब वो कैसे भेजेगा? या तो वो भेजेगा एक एरे जिसमें चार इंडेक्सेस होंगे, चार मुझे पता होगा, अच्छा पहले पे ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे, चौथे पे ये। अब लेकिन चार से ज़्यादा होंगे तो ठीक है, अच्छा। या फिर अगर कोई, ये तो चार डेटा पॉइंट्स हैं, थोड़ा सिंपल सा है डेटा ये, अगर इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा होगा तो फिर क्या होगा? तो इसके लिए XML शुरू में बड़ा मशहूर हुआ, जो PHP वगैरह जब आई थी नई, तो उसमें XML इस्तेमाल होता था, ठीक है, उसको हम SOAP APIs कहते हैं। तो बड़े अरसे तक वो बड़ा चलता रहा। उसके बाद फिर JSON इंट्रोड्यूस हुआ, तो JSON ने उसकी जगह ले ली काफ़ी हद तक। तो REST APIs जो अभी जितने भी सर्वर्स हैं, आम तौर पे जितने भी वेब सर्वर इस वक्त हैं जो REST प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं, वो JSON में डेटा इंटरचेंज करते हैं, चाहे वो किसी भी, चाहे वो iOS की एप्लीकेशन से जब रिक्वेस्ट आती है उसके पास तो उसको भी JSON मिलता है, एंड्रॉयड की एप्लीकेशन से भी जब रिक्वेस्ट आती है सर्वर पर तो वो JSON में रिस्पॉन्स करता है, ठीक है, या वेब एप्लीकेशन से आती है तो वो भी JSON में रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। तो ये इस तरह की जो लैंग्वेज होती है ना, जो एक मशीन से दूसरी मशीन तक डेटा को इंटरचेंज का मतलब होता है कि लेना और देना दोनों, एक तो ये होता है ना कि एक तरफ से जा रहा है सिर्फ, तो इंटरचेंज कहते हैं कि आ भी रहा है डेटा और जा भी रहा है, तो इस दोनों रिक्वेस्ट आएगी भी JSON में और वापस रिस्पॉन्स भी JSON में जाएगा, तो इसको डेटा इंटरचेंज लैंग्वेज कहते हैं। तो JSON जो है वो इस वक्त एक अलहदा से भी एक स्टैंडर्ड की सूरत इख्तियार कर चुका है, ये इतना फेमस हुआ है। अच्छा, अब इसको बनाते कैसे हैं जी JavaScript के ऑब्जेक्ट को, वो हम उसकी तरफ नज़र डालते हैं। हमने लिखना है सिंपल लेट और OBJ या कोई भी नाम, वेरिएबल का नाम जो हम लिखते हैं वो कोई भी नाम, और उसके बाद मैं करली ब्रैकेट को ओपन करता हूँ और क्लोज़ करता हूँ, ठीक है। करली ब्रैकेट को ओपन किया, क्लोज़ किया मैंने, अब इसके बाद क्या होगा, इसमें कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ होंगी जैसे एरे में होती थी, है ना। अब ये मेरे को देखो चार जगह बना दी है छोटी छोटी, है ना, चार ऐसे ही होता था एरे में, चार इंडेक्सेस होते थे। अच्छा, अब एरे में, और इसमें डिफरेंस ये है कि एरे में ना क्या होता था कि जी ऐसे होता था, ठीक है, और ऐसे दूसरा एक इंडेक्स आ गया, और एक तीसरा इंडेक्स होता था कि जी ये 39, और चौथा एक इंडेक्स होता था कि जी ये ट्रू, सही है, चार इंडेक्सेस होते थे। अच्छा जी, पहला मैंने कंसिडर कर लिया कि जी नेम होगा, दूसरा मैंने कह दिया कि जी सब्जेक्ट होगा, तीसरा मैंने रोल नंबर हो गया, और तीसरे में जी ये हो गया ये इज़ एक्टिव, तो ये चार इंडेक्सेस ऐसे हो गए। जो ऑब्जेक्ट होता है या JSON होता है या JavaScript ऑब्जेक्ट जो भी कह लो, इसके अंदर ये, इसमें एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी होती है जो कि क्या होता है, इसकी की डालनी पड़ती है हमें, नेम कॉलन जॉन, उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट कॉलन जॉन साइंस, ठीक है। अभी पहले देखो ये एरर दे रहा था, जब मैंने सीधा सीधा लिखा था ना, एरर दे रहा था ये, मतलब वो तरीका नहीं है, तरीका इसका ये है प्रॉपर। अच्छा, फिर साथ में रोल और कॉलन 39 नुमेरिक भी लिख सकता हूँ मैं चाहूँ तो, ठीक है, वैसे मैंने स्ट्रिंग में लिख दिया था। रोल नंबर बाई दे लिखा स्ट्रिंग में जाता है ज़्यादातर, ठीक है, क्योंकि रोल नंबर में जैसे ABC भी आता है, जैसे आप लोगों का होगा AC करके कुछ होगा और 1349, तो चार डिजिट होंगे शुरू में दो कैरेक्टर, तो इसलिए इसको स्ट्रिंग में लिखा जाता है, इसलिए स्ट्रिंग में लिखा था मैंने। अच्छा, ये लाइन ज़रा लंबी हो रही है तो मैं लाइन ब्रेक कर लेता हूँ, ठीक है जी, तो ये लाइन मैंने ब्रेक कर ली, और लास्ट में मैंने कहा कि इज़ एक्टिव ट्रू, ठीक हो गया जी। जी डिक्शनरी जो होती है पाइथन में, वो इसके अंदर जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट से काफ़ी मिलती जुलती चीज़ होती है वो।
ठीक है जी, ये सब लोगों को समझ आया कि एरे के अंदर जस्ट वैल्यूज़ होती थी और हम उसको कैसे एक्सेस करते थे कि जी इंडेक्स वन पे जो है उसको उठा लो, इंडेक्स टू पे जो है उसको उठा लो। इसके अंदर हमने क्या लगा दिया, नेम्ड वैल्यूज़ हैं इसके अंदर, ठीक है, नेम्ड वैल्यूज़ हैं इसके अंदर और इसको एक्सेस इन्हीं नामों से किया जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ बड़े गौर से समझ लो कि जो नेम मैंने लिखा है ना, ये मैंने स्ट्रिंग में नहीं लिखा, सही है, इसको बेहतर ये है कि स्ट्रिंग में लिखा जाए, ठीक है, बेहतर ये है कि इसको स्ट्रिंग में लिखा जाए। लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर, अगर आप जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज के अंदर मौजूद है ना, कोडिंग में मौजूद हैं आप, तो इसको स्ट्रिंग ना लिखें तो कोई मसला नहीं है। लेकिन जावास्क्रिप्ट से बाहर जब भी इंटरचेंज होता है डेटा का, यानी कि जेसन का जो अलहदा से मैं कह रहा था स्टैंडर्ड है, उसमें ये स्ट्रिंग में होना ज़रूरी है, ठीक है, तो बेहतर ये है कि आप जावास्क्रिप्ट के अंदर भी इसको स्ट्रिंग में लिखें, ठीक है जी। तो फ़िलहाल मैं इसको स्ट्रिंग में नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन ये बात बताना, मेंशन करना ज़रूरी थी, इसलिए मैंने मेंशन कर दी। अच्छा, या फिर इसका इस चीज़ का ख्याल रखा जाए कि जब ये इससे जावास्क्रिप्ट से बाहर निकल रहा है तो ये स्ट्रिंग बन के जाए। अच्छा, जो फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे कि सर्वर लिखने का फ्रेमवर्क जो होता है जावास्क्रिप्ट में, एक्सप्रेस जो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो एक्सप्रेस में हम इसको इस तरह भी लिखें ना अगर, तो जब वो निकलने लगता है बाहर ऑब्जेक्ट बना के, तो उसको चीज़ों को देख लेता है, खुद ही इसकी टेक केयर कर लेता है, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें जैसे कि पोस्टमैन एक टूल है हमारे पास, उसके अंदर जब हम लिखना पड़ता है तो उसमें हमें उसको ऐसे करके ही लिखना पड़ता है, अदरवाइज़ वो एरर देता रहता है, ठीक है। या हम अगर अलग से भी फाइल बना सकते हैं हम, डॉट जेसन करके फॉर्मेट, तो उसमें ना, जैसे अगर मैं यहाँ पे अलग से एक फ़ाइल बनाता हूँ, एक न्यू फाइल, मैंने कहा कि abc.json, तो इस जेसन के अंदर भी मैं क्या लिखूँगा, इसको दोनों को मैं ऐसे करके लिखूँगा। अब इसमें से हटा के देखते हैं, ये मोस्ट प्रॉब्ली एरर देगा, ठीक है, देखो एरर दे रहा है ये। तो ये अलग से जब आप जेसन की फ़ाइल बनाते हैं ना, तो उसमें हमें इसको स्ट्रिंग में लिखना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे CSV की फ़ाइल बनती है, जैसे XML की फ़ाइल बनती है, इसी तरह जेसन की फ़ाइल भी बन सकती है, क्योंकि ये जेसन बाकायदा डेटा इंटरचेंज लैंग्वेज की हैसियत हासिल रखता है, तो इसलिए इसकी फ़ाइल अलग से बन सकती है। अच्छा जी, तो हमने क्या देख लिया अभी तक, हमने देख लिया कि जी लेट करके नॉर्मली वेरिएबल जैसे बनता है उसी तरह ये बनेगा, कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल होगा इसमें और वैल्यूज़ इसमें कॉमा सेपरेटेड हैं बट नेम्ड वैल्यूज़ हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि जी ये कंस्ट्रक्शन, तो इसकी हमने सीख ली कि कंस्ट्रक्ट कैसे होगा। अगला काम ये कि इसको एक्सेस कैसे करेंगे। अब मिसाल के तौर पर मुझे जॉन को एक्सेस करना है, तो मैं कैसे एक्सेस करूँगा, मैं लिखूँगा जी console.log। अब मुझे यहाँ पर जॉन को प्रिंट करवाना है, तो मैं लिखूँगा obj, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज, और उसके बाद स्ट्रिंग में जॉन, ठीक है। एक्सेस करते हुए स्ट्रिंग में लिखना ज़रूरी है इसको, अगर मैं ये स्ट्रिंग हटा दूंगा ना, तो ये शायद, अच्छा ये इसने कुछ बोला नहीं, लेकिन ये एरर दे देगा कंसोल में। नेम होगा, ठीक है, obj के अंदर नेम, ठीक है, नेम्ड वैल्यूज़ हैं तो इंडेक्स की जगह नेम है, तो वो नेम लगेगा, जो की, इसको की बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं की, इसको बोलते हैं वैल्यू, ठीक है, और इन दोनों को मिला के कहते हैं की वैल्यू पेयर है। ये टर्मिनोलॉजीज़ हैं बहुत सारी जो इस्तेमाल होती हैं, ये टर्म्स मैं, वोकेबलरी जो इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, ये मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आपको ये वर्ड सुने सुने लगें बाद में, तो इन दोनों को मिला के की वैल्यू पेयर बन जाता है ये। अच्छा, तो यहाँ पे मुझे स्ट्रिंग लगाना ज़रूरी है, वैसे भी मैंने स्ट्रिंग नहीं लगाया तो ये एरर नहीं दे रहा, बट ये होपफुली वहाँ जाके एरर दे देगा। ये देखते हैं जी, हम यहाँ पे एरर दिया कि नहीं दिया इसने, नहीं, वो अनडिफाइन दे दिया उसने, बहरहाल उसको स्टिल पता नहीं चला। तो यहाँ पे मुझे ना इस चीज़ को ज़रूरी है कि मैं स्ट्रिंग में लिखूँ, ठीक है, तो इसको मैं ज़रा बड़ा कर रहा हूँ। अगर एरे होता तो मैं क्या रखता, एरे में यहाँ पे मैं लिखता इंडेक्स का नाम, यानी कि ज़ीरो, अब इसमें ज़ीरो लिखूँगा कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है, इसमें मुझे ऐसे करके लिखना पड़ेगा। तो जी देखते हैं, ये मुझे जॉन मिल गया। अच्छा, इसी तरीके से अब मुझे क्या करना है, सब्जेक्ट को गेट करना है, तो मैं लिखूँगा कि जो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सही है, और इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये साइंस गेट हो गया। इसी तरीके से मैं लिखूँगा यहाँ पे रोल, तो ये रोल नंबर गेट हो जाएगा, रोल नंबर भी आ गया, और इसी तरह नंबर 4 पे मैं लिखूँगा इज़ एक्टिव। जी, वो भी एक अल्टरनेट तरीका मौजूद है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं अभी, वो भी एक, हाँ
नहीं मैं सवाल नहीं समझा तुम्हारा, दोबारा पूछो। नेम के अंदर बहुत सारे नेम लिख रहे हैं। हाँ हाँ अभी तुम अगर वो अभी प्लेन ऑब्जेक्ट को ज़रा देखते हैं, वो नेस्टेड ऑब्जेक्ट अभी हम देखते हैं थोड़ी देर में ना, जो तुम कह रहे हो ना कि जी, तो असल में इनका सवाल ये है कि जी एरे के अंदर जैसे एरे हो सकता था, तो क्या ऑब्जेक्ट के अंदर एरे हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर एक दूसरा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और एरे भी हो सकता है। इसी तरीके से एरे के अंदर एक दूसरा एरे भी हो सकता है और एरे के किसी इंडेक्स में एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, इनफैक्ट एरे ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा आपको एरे और ऑब्जेक्ट हमेशा एक साथ नज़र आएंगे। सही है, आपको एरे और ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट में हमेशा एक साथ नज़र आएंगे। ठीक है, एरे और ऑब्जेक्ट का एक ऐसा साथ है कि वो अलग अलग कभी भी नहीं होते, हमेशा एक साथ होता है। अभी लेकिन वो हम देख लेंगे बहुत जल्दी कि वो क्यों एक साथ होंगे, वो हमें बहुत जल्दी अभी पता चल जाएगा इंशाल्लाह। आज हम वेदर की API कॉल करने की कोशिश करेंगे ताकि हमें रियल लाइफ में पता चल जाए। अच्छा जी, हम सर्वर पे जब हिट करते हैं रिक्वेस्ट, तो सर्वर हमें जो डेटा रिटर्न करता है वो जेसन में होता है, और उसको कैसे ट्रीट किया जाता है, कैसे उसको एक्सेस करके स्क्रीन पे प्रिंट करवाया जा सकता है। और आज इंशाल्लाह हम इस क्लास से एक वेदर ऐप छोटी सी बना के जाएंगे जो रियल डेटा दिखा रहा होगा कराची के वेदर का। अच्छा जी, ये हो गया। अब अगर यहाँ पर मैं लिख दूँ ऐसे करके, अच्छा ये एक चीज़ तो आप एक और समझ लें कि ये सीक्वेंस मैटर नहीं करता अब इसमें। अब मैं नेम को यहाँ पर बीच में लिख दूँ, ऊपर लिख दूँ, नीचे लिख दूँ, लास्ट में लिख दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये अब एरे के अंदर ऑन अदर हैंड हमारे पास हमारी डिपेंडेंसी थी सीक्वेंस के ऊपर कि जी अच्छा जी जो पहले आ रहा है वो, अगर मैंने आगे पीछे कर दिया जो पहले आता था उसको बाद में लिख दिया तो वो मतलब उसका चेंज हो जाता है कि जी अच्छा पहले इंडेक्स पर हमेशा करंट टेम्परेचर ही आता है अगर, तो मैं पहले इंडेक्स पे करंट टेम्परेचर ही लिखना पड़ेगा मुझे। सीक्वेंस पे मैं डिपेंडेंट था, इस केस में अब मैं सीक्वेंस पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। मैं सब्जेक्ट पहले लिख दूँ, मैं रोल पहले लिख दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे जब मैं इसको गेट करूँगा तो वो उसी तरीके से गेट होगा। अच्छा, अब जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में जिक्र किया था जब हम एरे पढ़ रहे थे कि जी जावास्क्रिप्ट के अंदर ना एरे होता ही नहीं है इन द फर्स्ट प्लेस, वो ऑब्जेक्ट ही होता है जो हमें, यानी एरे जो है वो एक कंस्ट्रक्ट है ऑन द टॉप ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इमेजिन करो कि अगर मैं यहाँ ज़ीरो लिख दूँ ऐसे और कॉलन लगा के उसमें मैं एक वैल्यू रख दूँ 1 2 3, मैंने एक बात रख दी उसमें। ठीक है, ये मैंने रख दिया कार, एक स्ट्रिंग वैल्यू रख दी। अब इसको मैं कैसे एक्सेस करूँगा? यहाँ पे अगर मैं ज़ीरो लिखूँ तो ये एक्सेस हो जाना चाहिए। ओबीजे के अंदर जो की है वो मैंने लिखी है ना, यहाँ पे ओबीजे के अंदर इज एक्टिव लिखता था, अब मैं ओबीजे के अंदर ज़ीरो लिखा मैंने। हाँ भाई देख लेते हैं, हो गया एक्सेस। वो बिना स्ट्रिंग के एरर क्यों दे रहा था वो मुझे अभी समझ आ गया, वो मैं बताता हूँ, वो जहन से मेरे उतरा हुआ था। अभी मैं बताता हूँ कि बिना स्ट्रिंग के जब लिखेंगे तो होगा क्या। सही है, बिना स्ट्रिंग के लिखने से ना वो समझता है कि ये वेरिएबल है, मिसाल के तौर पे समझना है इसको गौर से। ये नेम लिखा हुआ है, इसको मैंने ऐसे हटा दिया। एक मेरे पास मिसाल के तौर पे एक वेरिएबल है की इक्वल्स टू नेम, है ना, ऐसे कर दिया मैंने। तो अब ये वेरिएबल मैं यहाँ लिखूँगा ना की, समझ रहे हो, तो बगैर स्ट्रिंग के लिखने से वो वेरिएबल तलाश करेगा। अब ये सही है बिल्कुल, अब ये देगा मुझे नेम, क्योंकि यहाँ पे की लिखा हुआ है ना, अब की के अंदर क्या है, नेम है, तो यहाँ पे जो है ना ऐसे नेम रिटर्न हो जाएगा और वो मुझे वही वैल्यू देगा जो पहले दे रहा था। तो वो बगैर स्ट्रिंग के असल में लिखने से वो उसको वेरिएबल कंसिडर करता है। वो देखो अभी बिल्कुल सेट हो गया, नहीं देखो समझो बात, ये जो की है ना एक वेरिएबल है, तो यहाँ पे जब मैं इसके अंदर ना, देखो इसके अंदर मैंने ये कहा था कि स्ट्रिंग में लिखना ज़रूरी है, लेकिन जब मैं बगैर स्ट्रिंग के लिखता हूँ तो ये फिनोमेना क्या है, बिहेवियर क्या है? वो बिहेवियर ये है कि की के नाम से एक वेरिएबल समझता है ये कि जी वेरिएबल, देखो ये मैंने लिखा है लिटरल स्ट्रिंग, ये मैंने लिखा है स्ट्रिंग लिटरल, और ये मैंने ऊपर जो लिखा है मैंने लिखा है स्ट्रिंग वेरिएबल, समझ रहे हो? तो इसलिए यहाँ पे स्ट्रिंग करके लिखेंगे तो उसको समझ में आ जाएगा सीधा सीधा, स्ट्रिंग करके नहीं लिखेंगे तो वो वेरिएबल तलाश करेगा।
अच्छा हमारे केस में पहले जब मैंने नेम लिखा था तो नेम के नाम से कोई वेरिएबल नहीं था, तो यहाँ क्या रिटर्न होता था, यहाँ रिटर्न होता था अनडिफाइन, ठीक है। और ऑब्जेक्ट का इंडेक्स अनडिफाइन अनडिफाइन है, क्यों कि ऑब्जेक्ट के अंदर अगर मैं कोई ऐसी की तलाश करूँगा ना जो एग्जिस्ट नहीं करती तो वो अनडिफाइन देता है, तो वो ऐसी की उसको निकाल के लाया जो अनडिफाइन थी, वो असल में हुआ ही था। वेल तो उसको मैं वापस नेम कर देता हूँ बजाय ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में जाए हुए। अगर ये वाली बात किसी को समझ नहीं आई है तो कोई मसला नहीं है, बाद में भी उसको आप दोबारा से देख के समझ लीजिएगा। अच्छा तो अभी तक कितनी बात अगर आपको समझ आ गई है तो इट इज़ ओके, अभी बताता हूँ। अभी तक अगर आपको ये बात समझ आ गई है कि ये ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट कैसे हुआ, ठीक है, नंबर दो बात ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू के पेयर कैसे होते हैं, ठीक है, नंबर तीन बात कि जी वैल्यू को एक्सेस कैसे करते हैं सीधे तरीके से, बिल्कुल सिंपल तरीके से, तो इट इज़ ओके अगर इतनी बात आपको पता चल गई है तो। अच्छा अब मैं ये बताना ये चाह रहा था थोड़ी देर पहले कि जी जब मैंने एरे पढ़ाया था तो मैंने ये बात जिक्र की थी कि जावास्क्रिप्ट में एरे इन द फर्स्ट प्लेस एग्जिस्ट नहीं करते, वो ऑब्जेक्ट ही होते हैं जो एरे की तरह से कंस्ट्रक्ट करके दिखाए गए होते हैं। तो ऑब्जेक्ट जो है वो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट ही है जावास्क्रिप्ट में, एरे इज़ अ कंस्ट्रक्ट जो ऑन द टॉप ऑफ ऑब्जेक्ट बना हुआ है। तो मैं वो डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा रहा था कि जी ऑब्जेक्ट का इंडेक्स जीरो अगर मैं उठाता हूँ ना तो इंडेक्स जीरो नहीं है ये, असल में ये क्या है, ये एक न्यूमेरिक वैल्यू है, ये की जो है न्यूमेरिक की है, ठीक है। अच्छा अगर मैं इसको ऐसे करके गाइड करूँ तो क्या ये स्टिल मुझे सही वैल्यू मिलनी चाहिए, नहीं मिलेगी, क्यों कि अगर मैं इसको स्ट्रिंग में रखूँगा ना तो ये इट वुड बी अ डिफरेंट वैल्यू, सही है। जब मैं इसको गाइड करूँगा तो मैं बगैर स्ट्रिंग के गाइड करूँगा, ठीक है, ऐसे करके, जब मैं इसको गाइड करूँगा तो मैं ऐसे गाइड करूँगा, राइट, और जब मैं इसको गाइड करूँगा तो मैं ऐसे गाइड करूँगा, ये दो अलग अलग बातें हैं ना। देखो की जो है ये जो इसके अंदर की है ये क्या है, ये नंबर है, और इस ये वाली जो की है ये क्या है, स्ट्रिंग है। अच्छा लेकिन ये काम हम कोशिश करते हैं ना करें, ज़ीरो के नाम से वेरिएबल नहीं बना सकते हैं, वो जो वेरिएबल के नाम की जो रिस्ट्रिक्शन है ना कि सिर्फ नुमेरिक वैल्यू नहीं हो सकती। अच्छा तो मैं ये बता रहा था कि भाई ये हरकत हम नहीं करते, इसको हम नुमेरिक वैल्यूज़ नहीं देते, वो एरे इसी वजह से अलग किया गया है कि इसके अंदर ये काम हमने नहीं करना है। इसके अंदर हमने हमेशा क्या करना है, जो की, जैसा कि मैंने शुरू में जिक्र किया था कि की आपकी हमेशा स्ट्रिंग में होनी चाहिए, अगर स्ट्रिंग में नहीं भी है ना न्यूमेरिक भी है वैल्यू तो आप इन्हें एज्यूम ये करना है कि इसको एक्सेस हमेशा स्ट्रिंग में किया जाएगा, इसको एक्सेस हमेशा स्ट्रिंग में किया जाएगा। तो बेहतर ये है कि अगर कोई न्यूमेरिक वैल्यू आप लिख रहे हो ना ऐसे तो उसको स्ट्रिंग में लिखोगे आप, ठीक है। वैसे तो मैं बगैर स्ट्रिंग के लिखता हूँ तो ये एरे बन जाता है, लेकिन ये जावास्क्रिप्ट के अंदर बनेगा, जावास्क्रिप्ट से जब आप बाहर निकलोगे जेसन में तो ये चीज़ एरर है जेसन में, तो वो दोनों को स्ट्रिंग बना देगा। जब जेसन से बाहर निकलूँगा ना मैं, वो दोनों को स्ट्रिंग बना देगा, तो दोनों को स्ट्रिंग जैसे ही बनाएगा ना तो वो एरे, वो ऑब्जेक्ट इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर ना डुप्लीकेट की नहीं हो सकती। अब देखो मैंने ये इसको मैं हटा देता हूँ, समझ में आ गया पॉइंट क्या था ये बताने का। अगर मैं इज एक्टिव को दो दफ़ा लिखूँगा ना तो ये एरर है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर ये एरर है। यहाँ पे तो ये शो नहीं कर रहा, मोस्ट प्रॉब्ली ये इधर शो करेगा, अच्छा इधर भी ये शो नहीं कर रहा। वेल जेसन की फाइल के अंदर तो ऑब्वियसली एरर है, जैसे नेम करके एक लिखा हुआ है, अब मैं नेम करके एक और बनाऊंगा, इसमें इसने फौरन मुझे जो है ना एरर दे देना है कि जी, ठीक है, इसने फौरन मुझे यहाँ पे बता दिया कि जी ये तो डुप्लीकेट की है, ये नहीं चलेगा। तो हमेशा हमने अजम्पशन क्या रखनी है कि हमारी जो की है वो हमेशा स्ट्रिंग में होगी, न्यूमेरिक वैल्यू हमने अवॉइड करनी है। अगर न्यूमेरिक वैल्यू लिख भी दी है तो उसमें भी इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इसको स्ट्रिंग करके ही एक्सेस किया जाएगा इवेंचुअली। की केस सेंसिटिव है, ठीक हो गया जी, ये बात सब लोगों को समझ आ गई। अच्छा तो अभी तक हमने क्या देख लिया, ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्ट करना देख लिया और ऑब्जेक्ट को हमने एक्सेस करना देख लिया, ठीक है। अब तीसरा ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करना देख लेते हैं। मैंने कहा जी ओबीजे का इंडेक्स नेम जो है इक्वल्स टू मलिक, तो पहले जॉन था वो हट जाएगा, मलिक आ जाएगा। एरे को भी इसी तरह एक्सेस करते थे हम, मतलब इसी तरह से मॉडिफाई करते थे, ऑब्जेक्ट को भी सेम इसी तरह से मॉडिफाई कर रहे हैं। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, इस नेम को मैं चेंज करने के बाद भी एक दफ़ा प्रिंट करवा लेता हूँ, तो अब देखते हैं क्या होता है जी।
ठीक है, ये प्रिंट हो गया यहाँ पे लाइन नंबर 34 में चेंज होके प्रिंट हो गया। अच्छा, अगर मैं पूरे ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाऊंगा तो वो भी हो जाता है, अगर मैं सिर्फ ओबीजे लिखूंगा ना तो वो पूरे ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाऊंगा तो वो भी हो जाता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट पूरा प्रिंट हो गया, नेम इसके अंदर आप देखेंगे आ गया। अच्छा, जब ऑब्जेक्ट को हम प्रिंट करते हैं तो ये मोस्टली अल्फाबेटिक ऑर्डर में ये प्रिंट होता है, वैसे इसमें सीक्वेंस मैटर नहीं करता, इज एक्टिव जो है वो अल्फाबेटिक ऑर्डर में सबसे पहले था तो इसलिए वो ऊपर शो हो रहा है, सही है। हालांकि मैंने इज एक्टिव को, जी भाई, अच्छा हाँ नहीं तो बता दो ना मैं, ताकि उसको स्क्रॉल अप कर दूँगा। ठीक है जी, तो सिर्फ ओबीजे को प्रिंट करवा दो तो वो प्रिंट भी हो जाता है। अच्छा, अब मैंने एक वैल्यू को चेंज कर दिया, अब मैं दूसरी वैल्यू को भी चेंज कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में जो है ना साइंस लिखा हुआ था और मैंने इसको कर दिया कंप्यूटर साइंस। ठीक है जी, तो ये जी कंप्यूटर साइंस हो गया, दैट्स इट। तो हमने एरे को, ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्ट करना सीख लिया, एक्सेस करना सीख लिया और मॉडिफाई करना सीख लिया। अब मेरा ख्याल है इसमें इससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं, और कोई और इसमें किसी का सवाल है तो वो पूछ सकता है। हाँ, इसमें डॉट करके नोटेशन भी होता है कि जी आपको ना एज एन अल्टरनेटिव आप इसमें ओबीजे डॉट सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी हो जाता है, नहीं इसको स्ट्रिंगिफाई नहीं, इसको इसी तरह हो गई। इसको हम कहते हैं डॉट नोटेशन। नोटेशन एक अंदाज को कहते हैं कि जी लिखने का अंदाज, तो ये डॉट नोटेशन है। ठीक है, ओरिजिनली जो है ये ऐसा ही है इसी तरह से। अच्छा, कुछ चीज़ें ना डॉट नोटेशन में हो नहीं पाती, ये भी सुन लो कि डॉट नोटेशन ना सिर्फ एक्सेस करने के ही काम आता है ज़्यादातर, मॉडिफाई भी हो जाता है बाय द वे से। मिसाल के तौर पे अगर मैं डॉट नोटेशन से मॉडिफाई करूँगा ना तो मैं ऐसे करूँगा कि जी ऑब्जेक्ट डॉट सब्जेक्ट और ऐसे करके हो गया। अच्छा, लेकिन अगर मुझे ना ये ऑब्जेक्ट और डॉट के बाद डायनेमिक रखना है, मतलब किसी वेरिएबल से कुछ चीज़ लाके रखनी है, जैसे मैंने यहाँ पे किया था कि जी यहाँ पे मैंने ऐसे दे दिया था की, ये काम मैं डॉट नोटेशन में नहीं कर सकता और इसकी बहुत बहुत ज़रूरत पड़ती है। मतलब बहुत टाइम ऐसा होता है 50% ऑफ द टाइम कि इस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है मुझे, कि मुझे की को ना डायनेमिकली एक्सेस करना होता है या मुझे चेक करना होता है कि अच्छा जी ये मतलब एक ऑब्जेक्ट एक अलग डेटाबेस से आ रहा है, कीज़ एक अलग डेटाबेस से आ रही है, मुझे चेक करना होता है अच्छा जी जो कीज़ मुझे चाहिए थी वो उस ऑब्जेक्ट में मौजूद है या नहीं है। तो फिर इस तरह से होता है, वो इसके बगैर हो नहीं पाता। तो ये भी तरीका सही है, डॉट नोटेशन भी सही है, लेकिन डॉट नोटेशन जो है वो क्या है, एक सेकेंडरी मेथड है। कोडिंग में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है डॉट नोटेशन, आप कहीं पे भी बुक्स वगैरह में देखेंगे ना डॉट नोटेशन ही आपको नज़र आएगा क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, लेकिन इवेंचुअली इसकी जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है ना वहाँ पे इसके अलावा कोई हल नहीं है। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? जी, डिफरेंस कुछ भी नहीं है, नोटेशन है, नोटेशन का मतलब होता है अंदाज लिखने का। नहीं नहीं, वो तो मैंने बता दिया ना आपको कि जब आपको डायनेमिकली की को एक्सेस करना है ना तो वो यहाँ पे आप वेरिएबल लिख देंगे की करके या कोई भी जैसे मैंने बनाया था, तो वो चीज़ ये डॉट नोटेशन में नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं। हाँ हाँ, जो नेटिव है वो यही ब्रैकेट वाला ही है, स्क्वायर ब्रैकेट वाला, ये डॉट नोटेशन जो है वो एक अल्टरनेटिव के तौर पर, लेकिन लोग ज़्यादातर डॉट नोटेशन को ही यूज़ करते हैं। वेरिएबल से चेंज मतलब? हाँ, अच्छा, ऑब्जेक्ट के अंदर ना इस की को आप रीनेम नहीं कर सकते। हाँ, अच्छा, तो तुम ये कह रहे हो, अच्छा तुम ये कह रहे हो ना कि जी लेट की और नेम, सही है, अब तुमने ये कह दिया, तो अब तुम कह रहे हो इस मॉडिफाई करते हुए इसका इस्तेमाल अगर करना है, जैसे मैंने यहाँ पे इसको प्रिंट करवाया था ना ऐसे के की करके भाई प्रिंट कर दो तो प्रिंट हो जाता था, क्या प्रिंट होता था, की जगह पे नेम आता था और ऑब्जेक्ट का नेम प्रिंट कर देता था वो, तो यहाँ पे भी मैं इसी तरह लिखूँगा अब। ठीक है, की के जी ऑब्जेक्ट के अंदर की, अब की जो है इट्सेल्फ यहाँ पे उसको पकड़ेगा क्या, रिटर्न क्या करना है, तो की जो है रिटर्न करेगा एक स्ट्रिंग और वो स्ट्रिंग
जैसे काम करता है वैसे ही करेगा, तो मॉडिफिकेशन इससे हो जाएगी। तो ये मलिक हो जाना चाहिए जॉन हट के, देखते हैं जी यहाँ पे होता है या नहीं होता। ठीक है जी, तो ये हट गया और ये मलिक हो चुका है यहाँ पे। अच्छा जी, अब ये इतनी बात समझ आ गई जी दोस्त। हाँ हाँ, रोल नंबर आमतौर पे स्ट्रिंग में लिखा जाता है, सही है। रोल नंबर में असल में आमतौर पे ना अल्फ़ाबेट्स वगैरह आ जाते हैं, तो ये मतलब एक आम तौर पे ये प्रैक्टिस है कि रोल नंबर को ना नुमेरिक नहीं रखते हम, अल्फ़ाबेटिक रखते हैं। यहाँ पे नंबर रख सकते हैं हम, अगर चाहें तो नंबर रख सकते हैं, लेकिन क्योंकि एक आम प्रैक्टिस है कि रोल नंबर को स्ट्रिंग में रखा जाता है, इसी तरह फ़ोन नंबर को स्ट्रिंग में रखा जाता है, नुमेरिक नहीं रखते, तो इसलिए मैंने भी उसको उस प्रैक्टिस को फॉलो करते हुए स्ट्रिंग में रख दिया। ठीक है, साथ में मैंने ए भी लिख दिया एक, ताकि जी पता चल जाए कि अच्छा जी ये नहीं होगा इसमें। अच्छा जी, ये हमने सारा देख लिया। ओके, तो अब हमने क्या करना है, हमने इसका रियल लाइफ का एक इस्तेमाल देख लेना है। नेस्टेड भी चलो बता देता हूँ, और बोलो, नेस्टेड भी बता देता हूँ। ओके, अब एलेक्टिव्स के नाम से मैंने एक की बना दी इसके अंदर, एलेक्टिव के नाम से की बना दी। इसमें एक और भी हो सकता है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, और मैंने कह दिया कि जी वन। अच्छा, इसको मैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, क्योंकि ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट होगा असल में, सही है। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट भी सिखा देता हूँ कि कैसे होगा। एरे हो गया ये, और पहला एलेक्टिव जो होगा उसका नेम हो गया ए बी सी, सही है, कॉमा। दूसरा एलेक्टिव होगा उसका भी नेम होगा एक्स वाई जेड, और एक तीसरा एलेक्टिव होगा ठीक है। ठीक है जी, ये हो गया। इसको एक्सेस कैसे करना है, मॉडिफाई कैसे करना है वो देख लेते हैं हम। और अब एक लास्ट हम एक सिंपल ऑब्जेक्ट लगा लेते हैं। सेम की दे दी आपने? नहीं, ये तीन अलग अलग ऑब्जेक्ट है ना, ये तीन अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं। देखो ये है एरे, और एरे के पहले इंडेक्स पे क्या है, एक पूरा ऑब्जेक्ट है। दूसरे इंडेक्स पे क्या है, एक पूरा ऑब्जेक्ट है। हमेशा एरे और ऑब्जेक्ट हमेशा इसी तरह साथ साथ आते हैं। नहीं, जो यूनिक होनी चाहिए की आपकी, ठीक है। हमने अभी डुप्लीकेट की लगाई थी, वो एरर नहीं दे रहा था। अगर वो एरर नहीं देगा ना, तो वो लास्ट वाले को पकड़ेगा। वो मिसाल के तौर पे मैंने नेम करके एक जगह जॉन दे दिया और एक जगह दे दिया मलिक, तो अगर वो एरर दे देगा या तो लास्ट वाले को पकड़ेगा। देखो ऐसे अगर की अलग अलग है ना, दोनों में जॉन है, नेम में भी जॉन है, लास्ट नेम में भी जॉन है, तो दिस इज़ परफेक्टली फाइन, क्योंकि की यूनिक होनी चाहिए। वैल्यू कुछ भी हो, वैल्यू का मसला नहीं है। लेकिन अगर मैंने ऐसे कर दिया ना, तो ये गलत है। नेम के नाम से दो की नहीं हो सकती। जो की है हमारी, वो यूनिक होनी चाहिए थ्रू आउट द क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट। हाँ, लेकिन अगर ये हमारे इस केस में ये एक कम्प्लीटली अलग ऑब्जेक्ट है, ये कम्प्लीटली अलग ऑब्जेक्ट है। हाँ, तो ये एलेक्टिव एक एरे है, और इस एलेक्टिव के अंदर तीन ऑब्जेक्ट हैं अलग अलग, और हर ऑब्जेक्ट के अंदर जितने की चाहे रखवा दें। हाँ, टीचर का मैंने नाम लगा दिया जी यहाँ पे कि जी एलिस, ठीक है। ये सब्जेक्ट का नेम है, टीचर एलिस है, ठीक है। ग्रेड है इसके अंदर 23 ग्रेड हैं इसके, लाइक दिस, ठीक है। तो ये इस तरह करके एरे ऑफ ऑब्जेक्ट हो सकता है। अब आ जाते हैं और एक हम एक और हम वो लगा लेते हैं, क्या लगा दें इसके अंदर, एक स्टूडेंट के अंदर क्या चीज़ ऐसी है जो ऑब्जेक्ट की सूरत में आना चाहिए। बायो कर देता हूँ मैं इसको, सही है।
यानी इस बंदे का जो पर्सनल बायोडेटा है, एज 23, ठीक है, इज सिंगल, ठीक है, यस, या ट्रू होगा बल्कि सिंगल है बच्चा हमारा अभी, सही है, और नहीं 23 है ना यार अभी, तो कुछ तो रहम करो, अभी से इसकी ज़िंदगी उजाड़ने में लगे हो तुम अच्छा, और कोई एक चीज़ लगाते हैं हम इसमें, रेजिडेंस, नेशनैलिटी, सही है, नेशनैलिटी मैंने लगा दिया कि जी पाकिस्तानी है बेचारा, गरीब पाकिस्तानी, सही है, और क्या हो सकता है, अच्छा इसका वैसे ना इस सिंगल नहीं होता, इसका होता है मार्शल स्टेटस, जो प्रॉपर वर्ड है ना वो मार्शल स्टेटस होता है, और स्ट्रिंग में होता है कि मैरिड, सिंगल और चार पांच अलग अलग स्टेटस और भी हैं जो मुनासिब नहीं है डिस्कस करना अभी देखिए इट्स कॉम्प्लिकेटेड। अच्छा एक चीज़ और इसमें लगाते हैं, कौन सी चीज़ लगाई जाए, हाँ रिलीजन, ठीक है, इस्लाम, बच्चा हमारा मुसलमान है, ठीक है जी। अब हम देख लेते हैं कि जी इन तमाम चीज़ों को एक्सेस कैसे करना है, जिस तरह एक्सेस होता है उसी तरह चेंज भी होता है। अब मैंने आके अगर यहाँ पे एक्सेस करना है ना जनाब, इसके मैंने इस एलिस को एक्सेस करना है अगर, तो मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा कि ऑब्जेक्ट डॉट एलेक्टिव, सही है, डॉट नोटेशन लगा लेते हैं फिलहाल के लिए, ऑब्जेक्ट डॉट एलेक्टिव का इंडेक्स, क्योंकि देखो एलेक्टिव जो है वो एक एरे है, तो एलेक्टिव का इंडेक्स क्या, ज़ीरो, एलेक्टिव का इंडेक्स ज़ीरो, फिर डॉट, ठीक है, डॉट के बाद क्या लगाऊंगा मैं, ज़ीरो इंडेक्स पे मुझे ये पूरा ऑब्जेक्ट मिल गया। अब डॉट में नेम लगा सकता हूँ, टीचर या ग्रेड लगा सकता हूँ, तो मैंने कह दिया कि जी टीचर, तो यहाँ पे मुझे क्या प्रिंट हो जाएगा, एलिस प्रिंट हो जाएगा, सही है, आगे देखते हैं जी, यहाँ पे एलिस प्रिंट करा दिया हमने, सही है। इसी तरीके से यहाँ पे मैं नेम भी प्रिंट करवा सकता था, टीचर नेम दोनों चीज़ें प्रिंट करवा सकता था, ठीक है, तो मैंने टीचर और नेम, एलिस और एबीसी दोनों को प्रिंट करवा दिया। अच्छा जी अब हम ज़रा देख लेते हैं कि जी अगर मुझे इस एज को एक्सेस करना है तो मैं कैसे करूँगा। मैं कहूँगा जी कि जनाब ऑब्जेक्ट डॉट बायो डॉट एज, ये हो गया, यहाँ पे 23 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं इसको इज सिंगल करना चाहूँ, अच्छा ये तो ना खुद से सजेशन भी दे देता है ये, जैसे मैं डॉट लगाऊंगा ना तो देखो सजेशन इसने दे दी कि रिलीजन, खुद ही से आ गया यहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें हमने एक्सेस कर ली कि जी एलिस 23 ट्रू इस्लाम, ये सारी चीज़ें हमारे पास आ गई, ठीक है। तो हमने क्या देख लिया इस पॉइंट पे, नेस्टेड ऑब्जेक्ट देख लिया कि जी एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट कैसे होगा, और एरे और ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन भी देख लिया। तो हमारे पास इस केस में अगर हम देखें तो टॉप पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, फिर उसके अंदर हमारे पास एक एरे है, फिर उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसी तरह एरे और ऑब्जेक्ट की मल्टीपल कॉम्बिनेशन हो सकती हैं, ये मल्टीपल नेस्टिंग हो सकती है इसकी, कि जी 3, 4, 5 या 6 लेवल भी अंदर वो जा सकता है और जाएगा, ठीक है। वो जैसे एरे में तो मैं कह रहा था ना कि अच्छा जी ज़्यादा से ज़्यादा 2 डायमेंशन जाएगा, लेकिन इसमें वो 3, 4, 5 नेस्ट तक अंदर जाएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम जाएगा, 80% ऑफ द टाइम ना वो 4-5 अंदर जाता है, कि जी जैसे अभी ये वेदर हम जो मंगवाएंगे उसमें वेदर डॉट करंट डॉट सिटी डॉट नेम फिर कराची मिलेगा मुझे, सही है। तो ऐसे करके वो 3-4 अंदर हमें जाना पड़ता है। अच्छा जी ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसी के कॉन्टेक्स्ट में एक वेदर ऐप बना लेते हैं, ठीक है, ES6 वेदर ऐप, अब वेदर ऐप के लिए हमने काम क्या करना है, सबसे पहला एक अदद फॉर्म बनाना है, सही है, जो हम कई दफ़ा बना चुके हैं, इस ई इसमें लगा देते हैं ना कि जी वेदर ऐप है, ES6 वेदर ऐप, यहाँ पे मैंने एक अदद फॉर्म बना दिया, फॉर्म में एक्शन हम नहीं लगाते, हम लगाते हैं इसके अंदर ऑन सबमिट,
ठीक है, ऑन सबमिट के अंदर मैंने कहा कि जी गेट वेदर, सही है, हमने इसी तरह किया था इसको। इनपुट आउटपुट जिस क्लास में हमने लेना सीखा था उस क्लास में ये बात डिस्कस हुई थी कि जी ये ऑन सबमिट के ऊपर एक फंक्शन कॉल होता है, फंक्शन अगला टॉपिक हमारा होगा इंशाल्लाह, फंक्शन को हम डिटेल में पढ़ेंगे। और साथ में ये रिटर्न फॉल्स मैं इसलिए लगाता हूँ ताकि ये पेज को रिफ्रेश ना करे, ये डिफ़ॉल्ट बिहेवियर को प्रिवेंट कर देता है। सही है, इस काम को करने का एक तरीका और भी है जिसको हम कहते हैं प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, लेकिन वो हम बाद में करेंगे, अभी ये सिंपल सा है इसको इसलिए हमने लिखा है। तो मैंने कहा जी इनपुट, और इनपुट में मैंने कहा जी टाइप इसकी होगी टेक्स्ट, और नेम इसका होगा सिटी नेम, और आईडी भी इसकी मैंने ये रख दी सिटी नेम। ठीक है, प्लेस होल्डर मैंने लगा दिया कि जी ये एंटर योर सिटी नेम, और बस साथ में सिमेंटिक लगा देते हैं एक लेबल। सही है, लेबल फॉर मैंने कहा कि जी सिटी नेम, ठीक है, ये सिमेंटिक लगा दिया मैंने। और br करके हम एक अदद लगा देते हैं बटन, गेट वेदर, और इस बटन की हम टाइप लगा देते हैं सबमिट। ठीक है, इसको साथ साथ चला के भी देख लेते हैं कि ये कैसा दिख रहा है फिलहाल के लिए। ठीक है जी, तो हमारी वेदर ऐप कुछ इस तरह की दिखना शुरू हो गई है अभी तक। इसमें शायद ज़्यादा CSS वगैरह हम नहीं लगा पाएंगे फौरी तौर पे, बस हमें इतना चाहिए कि जी यहाँ पे मैं कराची लिखूँ और यहाँ पे गेट वेदर का बटन दबाऊँ तो पेज रिफ़्रेश नहीं होना चाहिए। पहली बात तो वो रिफ़्रेश इसलिए हो रहा है कि इस नाम का फंक्शन मौजूद ही नहीं है। वेल, तो हमारे पास ये हमारा फॉर्म सही बन गया है। ठीक है, हमें जितना चाहिए फंक्शनल उतना हो चुका है। अब हम आएंगे फौरी तौर पे स्क्रिप्ट के पास। अच्छा, स्क्रिप्ट का टैग बनाते हुए हमने इसका क्या लगाया था कि टाइप मॉड्यूल। सही है, टाइप मॉड्यूल लगाते ही ये मुझे मिलना बंद हो जाएगा। सही है, सही है, टाइप मॉड्यूल करके जब मैं इस तरह बनाता हूँ ना तो ये फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट ग्लोबल फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना होता है, इसके लिए मुझे करना होता है विंडो डॉट गेट वेदर इक्वल्स टू फंक्शन, ऐसे करना होता है। सही है, विंडो डॉट करके बनता है इसमें वेरिएबल, यानी जब हम लगा देते हैं ना इसमें टाइप मॉड्यूल, अगर मैं टाइप मॉड्यूल नहीं लगाऊंगा तब तो सही है। ठीक है, जैसे मैं मिसाल के तौर पर लेट करके बनाता हूँ ना, लेट नेम इक्वल्स टू जॉन, अब होगा क्या, वो इस स्क्रिप्ट के बाहर मुझे अवेलेबल नहीं होगा, कोई भी वेरिएबल अवेलेबल नहीं होगा, इस स्क्रिप्ट के अंदर अंदर ही रहेगा। अब मैं मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे एक स्क्रिप्ट का टैग और लगा दिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि जी वो इसमें भी अवेलेबल हो जाए ये नेम, वैसे तो ऐसी ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ तो फिर मुझे इस नेम को क्या करना पड़ेगा, विंडो डॉट नेम करना पड़ेगा। ठीक है, फिर मुझे ये यहाँ पे भी मिलता रहेगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा नेम तो ये मुझे मिलेगा। हाँ, लगा सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, मैं बल्कि इसको एक्सपेरिमेंट करके दिखा देता हूँ ना, मैंने यहाँ पे लिखा वैल्यू और यहाँ पे मैंने लिख दिया नेम। ठीक है, और इसको मैं हटा के नॉर्मल कर देता हूँ, मैंने कहा लेट नेम इक्वल्स टू जॉन। सही है, लेट नेम इक्वल टू जॉन मैंने इधर लिखा और यहाँ पे आके मैंने इसको लिखा कि जी वैल्यू प्रिंट करवा दो, तो ये मुझे नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली मुझे नहीं मिलेगा ये। ठीक है, वैल्यू देखो खाली मिल रही है, अनडिफाइंड मिल रहा है। अच्छा, जब मैं टाइप मॉड्यूल हटा दूंगा ना अगर, तो ये सही हो जाएगा, टाइप मॉड्यूल हटाते ही ये मुझे मिलना शुरू हो जाएगा, जॉन मिल गया। सही है, तो ये टाइप मॉड्यूल जो है वो ES6 है, ES6 में थोड़ी प्राइवेसी को इम्प्रूव किया है इन्होंने, तो इस वजह से जब मैं टाइप मॉड्यूल यहाँ पे लगा देता हूँ तो क्या होता है कि ये जो वेरिएबल है ना, ये इस स्क्रिप्ट के अंदर प्राइवेट हो जाता है, ये इस स्क्रिप्ट की टैग के बाहर मुझे नहीं मिलता। अच्छा, ये उस लेवल का प्राइवेट नहीं होता जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में होता है, C# वाला प्राइवेट नहीं होता ये, अगर कोई C# वगैरह के बैकग्राउंड से है तो उसके लिए कह रहा हूँ, लेकिन ये इस स्क्रिप्ट के टैग के अंदर अंदर प्राइवेट हो जाता है, ये बाहर नहीं मिलता मुझे। जी जी, ऐसा ही है। हाँ ठीक है, तो अब देखो क्या हुआ, जैसे ही मैंने टाइप मॉड्यूल लगाया ये मिलना बंद हो गया। तो लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं जी इसको मुझे ग्लोबल ही करना है, तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा विंडो डॉट। सही है, और ये मुझे दोबारा से यहाँ पे मिलना शुरू हो जाएगा।
ये ग्लोबल वेरिएबल बनाने का तरीका है, ये जो तरीका है ना ये ग्लोबल वेरिएबल बनाने का है। अच्छा अगर मैं लेट नेम होगा ना वो एक अलग है, लेट नेम एक अलग वेरिएबल है, सही है, विंडो डॉट नेम एक अलग वेरिएबल है, ये इसका लोकल वेरिएबल है, ये ग्लोबल वेरिएबल है, ये दो अलग अलग वेरिएबल है काइंड ऑफ, समझ रहे हो, इसको मैं एक्सेस करूँगा तो ये दोनों अलग अलग मिलेंगे मुझे, हाँ ये देखो अलग अलग मिलेंगे मुझे। वेल अभी इसको ज़्यादा दिल पे मत लो, इसको अभी यहीं तक रखो, आम तौर पे ऐसी ज़रूरत मुझे सिर्फ फंक्शन में पड़ती है, सिर्फ फंक्शन में, और किसी में ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, ऐसी ज़रूरत सिर्फ मुझे फंक्शन में ही पड़ती है कि एक जगह बनाया है और दूसरी जगह उसको एक्सेस करना है। क्यों, ये इसलिए मुझे ज़रूरत पड़ती है कि भाई यहाँ पे ना फंक्शन तो बना हुआ है इस स्क्रिप्ट के अंदर, लेकिन मुझे इसको एक्सेस करना है यहाँ पे, तो वो मुझे नहीं मिलेगा अगर मैं उसको ग्लोबल नहीं बनाऊँगा तो, ठीक है। तो अब देखो इसको भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, यहाँ पे मैंने कहा कि जी कॉन्सोल डॉट लॉग फंक्शन इज रनिंग, ठीक है, फंक्शन इज रनिंग, तो अगर इस सबमिट के बटन पे, अगर ये सबमिशन पे ये फंक्शन चल जाता है तो मेरे पास लिखा हुआ जाना चाहिए फंक्शन इज रनिंग, ठीक है, तो आगे देखते हैं, ठीक है जी, फंक्शन इज रनिंग। अच्छा अगर जैसे ही इसमें से मैं विंडो डॉट वाला ये मंजन हटा देता हूँ, मैं लेट कर देता हूँ इसको, तो जो है ना ये मिलना मुझे बंद हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे अनकॉच एरर करके, और वो पेज रिफ्रेश हो रहा है। अच्छा बाय द वे जब पेज रिफ्रेश होता है ना तो ये एरर गायब हो जाता है, आगे ना पता नहीं चलता कि क्या हुआ है। इसका तरीका ये है कि आप जाएंगे इस तरफ, यहाँ पे ये छोटा सा सेटिंग का बटन है, अच्छा दो सेटिंग के बटन है, एक ऊपर एक नीचे, ये मैंने नीचे वाला प्रेस किया, ठीक है, इसी को प्रेस करने से ये खुलेगा, इसी को प्रेस करने से वापस बंद होगा। प्रिजर्व लॉग का एक चेक है यहाँ पे, वो आपने लगा के इसको वापस बंद कर देना, ठीक है। अब जब आप करेंगे ना तो ये ख़त्म नहीं होता इसमें एरर, इवन दो कि आप पेज को रिफ्रेश भी कर देना तो ये एरर गायब नहीं होता, ये प्रिजर्व करके रखता है तमाम के तमाम लॉग्स को। तो ये देखो बता रहा है कि भाई गेट वेदर तो मुझे मिल ही नहीं रहा, तो वापस आके मैं या तो इसका टाइप मॉड्यूल हटा दूंगा, या तो टाइप मॉड्यूल अगर लगाया है तो टाइप मॉड्यूल की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उसको मुझे पूरा करना होगा, ठीक है। तो जैसे ही मैं टाइप मॉड्यूल हटाता हूँ ना तो ये मेरा मसला हल हो जाएगा, लेकिन ये वो मॉड्यूल वाली फैसिलिटीज़ फिर मैं खो दूंगा। अब मैंने रिफ्रेश किया, क्लिक किया, फंक्शन इज रनिंग, ठीक है। तो टाइप मॉड्यूल लगाने की वजह से ये क्या हो जा रहा है, प्राइवेट हो जा रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसको बोल दूंगा कि जी आप ग्लोबल हो, जी दोस्त वार तो रख सकते हैं, लेकिन वार तो वैसे ही मना है ना, वार तो डॉक्टर ने मना किया है। ES5 असल में वो, हम तो नई वाली जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं ना, तो ये नई वाली जावास्क्रिप्ट के सारे तकाजे हैं जो हम यहाँ पे पूरे कर रहे हैं, ठीक है। तो अच्छा वो पुरानी वाली को जो रिप्लेस करके ये नई चीज़ें लेकर आ रहे हैं, पुरानी वाली चीज़ों में ऑब्वियसली कहीं ना कहीं पर कोई प्रॉब्लम थी, कहीं ना कहीं पर कुछ इशूज़ थे जिसको ओवरकम करने के लिए ये चीज़ें की गई हैं ना। तो जो नई नई अच्छा ये वाली बात है ना, बुक्स में आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी अभी, क्योंकि ये बिल्कुल नई डेवलपमेंट है, ये डॉक्यूमेंट्स में भी बेयरली अवेलेबल है। मतलब टाइप मॉड्यूल लगा दिया आपने, अब वो वेरिएबल आपको एक दूसरे फंक्शन में मिल नहीं रहा, तो ये बुक्स में डॉक्यूमेंट्स में कहीं पे भी बेयरली आपको ये मिलेगा। MDN बहुत डिटेल्ड डॉक्यूमेंट हो तो वहाँ पे होगा ऑब्वियसली, लेकिन जो दूसरे जैसे W3 स्कूल वगैरह है वो बेसिक मतलब लर्नर्स के लिए बनाए गए हैं, तो वहाँ पे ये बातें डिस्कस नहीं की जा रही हैं फिलहाल। टाइप मॉड्यूल भी रिसेंटली स्टेबल हुआ है, इससे पहले पिछले 3 सालों से ये एक्सपेरिमेंटल चल रहा था, जो एक्सप्रेस के सर्वर में भी और Node.js में भी और इसमें भी, ये 3-4 सालों से एक्सपेरिमेंटल चल रहा था, तो अब जाके ये स्टेबल हो गया। जो अभी नया वाला Node.js आया है 18 जो, उसमें ये स्टेबल हो गया, तो अब यही चलेगा इन फ्यूचर। अच्छा जी वेल, तो हम अपने रास्ते से कहीं और निकल गए थे। तो गेट वेदर का फंक्शन मेरा क्या हो चुका है, इस वक्त चल के रेडी हो चुका है। अच्छा गेट वेदर के फंक्शन के अंदर सबसे पहला काम मैंने क्या करना है, सबसे पहला काम करना है मैंने कि जी लेट सिटी नेम करके एक वेरिएबल बनाना है, और मैंने कहना है डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और मैंने कह दिया कि जी हैश सिटी नेम, ठीक है, यही आईडी है, मैं आईडी के ज़रिए इसको गेट करूँगा, सही है। सब लोगों को समझ आ रहा है ये कैसे हो रहा है, इनपुट आउटपुट वाले हम क्लास में ये पढ़ चुके हैं, और डॉट वैल्यू क्वेरी सेलेक्टर हम देख चुके हैं ना, हमने जब इनपुट आउटपुट पढ़ा था, तो
जो एक तो होता है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, एक वो भी तरीका है, एक क्वेरी सेलेक्टर भी एक तरीका मौजूद है। इसके और भी कई तरीके हैं लेकिन ये दो हमने पढ़ा है। अभी आगे जो डॉम का एक चैप्टर आएगा तो उसमें मज़ीद डिटेल में इस जैसे और भी कुछ मेथड्स हैं तो वो भी डिस्कस होंगे, जो आपकी बुक में चैप्टर है डॉम जिसमें लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, तो वहाँ पे हम ये मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे। वेल तो फिलहाल के लिए मैंने क्या किया, डॉक्यूमेंट का मतलब है मेरा HTML का डॉक्यूमेंट। मैंने कहा कि उसके अंदर क्वेरी चलाओ आप, क्वेरी का मतलब होता है कि तलाश करने की एक मुहिम चलाओ, और उसके अंदर एक ऐसा एलिमेंट उठा के लाओ जिसके अंदर हैश का मतलब आईडी और सिटी नेम, जिसका आईडी, अच्छा अगर मैं हैश नहीं लगाऊंगा तो ये एलिमेंट का नाम समझेगा उसको, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जी डिव, तो जो भी उसको पूरे डॉक्यूमेंट में पहला डिव मिलेगा ना उठा के ले आएगा, ठीक है। लेकिन मुझे क्या करना है फिलहाल के लिए, मुझे आईडी पता है, मुझे इस आईडी से एक एलिमेंट मंगवाना है, तो अब इस आईडी से जो भी पहला एलिमेंट मिलेगा उसको उठा के ले आएगा। फिर मैंने कहा डॉट वैल्यू, तो उस एलिमेंट के अंदर मौजूद वैल्यू मैं कह रहा हूँ मुझे दो उठा के, तो ये पूरा जो स्टेटमेंट है ये क्या रिटर्न करेगा, एट द एंड ये एक वैल्यू रिटर्न करेगा। कौन सी वैल्यू, जो उस फील्ड के अंदर जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो वैल्यू लिखी गई होगी वो रिटर्न करेगा ये, ठीक हो गया। अच्छा अब ये सिटी नेम मेरे पास आ चुका है, अब इस सिटी नेम को लेकर मुझे इंटरनेट पे एक रिक्वेस्ट करनी है, किसी ने कोई सर्वर एक बना के रखा हुआ है जो वेदर का डेटा प्रोवाइड करता है, ठीक है। सर्वर आप सब लोगों को जैसा कि पता है एक कंप्यूटर होता है जो इंटरनेट से कनेक्ट होता है, ये वर्ड मैं नहीं यूज़ करूँगा कि क्लाउड में कहीं रखा हुआ होता है, क्योंकि क्लाउड क्या चीज़ है, क्लाउड कुछ भी नहीं है, क्लाउड ये है कि कोई भी कंप्यूटर जब इंटरनेट की तार उसमें लगी हुई है ना तो वो क्लाउड से कनेक्टेड है, ठीक है। तो कहीं दूर किसी जगह या करीब भी हो सकता है एक कंप्यूटर रखा हुआ है जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, और उसके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन हुई हुई है वो सर्वर वाली हुई हुई है। वो कैसे होती है वो इंशाल्लाह हम करके देखेंगे जब हम सर्वर के टॉपिक पे पहुंचेंगे, एक्सप्रेस के ज़रिए वो हम करके देखेंगे कि मैं इस अपने लैपटॉप को सर्वर बना दूंगा, आप सब लोग उसको एक्सेस कर रहे होंगे। वेल तो वो एक कहीं रखा हुआ है कंप्यूटर, उसमें इंटरनेट की तार लगी हुई है, सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन हुई हुई है, उसका एड्रेस हमें पता है, हम उस एड्रेस पर रिक्वेस्ट भेजते हैं, वो सर्वर हमें रिस्पॉन्स करता है, रिक्वेस्ट भी जेसन में भेजते हैं, रिस्पॉन्स भी जेसन में आता है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इंटरनेट पर रिक्वेस्ट करनी है। इंटरनेट पर रिक्वेस्ट करने के लिए आज हम एक लाइब्रेरी का इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है एक्सियोस। लास्ट टाइम हमने एक लाइब्रेरी इस्तेमाल की थी मोमेंट जेएस, जो पहली दफ़ा हमने एक लाइब्रेरी की थी। अब तो हमें पता है लाइब्रेरी कैसे पकड़ते हैं, तो हम आते हैं जी यहाँ पे एक्सियोस लिखते हैं यहाँ पे और एंटर करते हैं। ये एक्सियोस की वेबसाइट आ गई, एक्सियोस की वेबसाइट पे जैसे ही मैं थोड़ा सा नीचे जाऊँगा तो यहाँ पे मुझे इसने एक स्क्रिप्ट यहाँ पे पूरा बना के दिया हुआ है। बस ये स्क्रिप्ट मैंने यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ ला के मैंने कहाँ पेस्ट कर देना है, बॉडी के बाद, लेकिन मेरी स्क्रिप्ट से पहले, मेरी स्क्रिप्ट से, क्योंकि मेरी स्क्रिप्ट में मैं लाइब्रेरी का इस्तेमाल करूँगा ना, ठीक है। अगर मैं मेरी स्क्रिप्ट के भी बाद लिखूँगा तो मुझे फिर ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी इसके अंदर जो मैं करना चाह रहा हूँ यहाँ, ठीक है। और इस लाइब्रेरी का इस्तेमाल करते हुए मैं इंटरनेट पे एक रिक्वेस्ट करूँगा, ठीक है। कैसे करते हैं रिक्वेस्ट, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे गेट की हमने रिक्वेस्ट करनी है यहाँ पे ना। एग्जांपल्स में चलते हैं, एग्जांपल्स में जाते ही मैंने देखा कि जी यहाँ पे मेरे पास ये परफॉर्मिंग अ गेट रिक्वेस्ट बता रहा है कि कैसे होता है, ठीक है जी। तो ये मैंने क्या कर लिया, एक गेट रिक्वेस्ट परफॉर्म करने का तरीका यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया। तो मैंने लिखा एक्सियोस डॉट गेट और यहाँ पे मैं लिखूँगा सर्वर का एड्रेस जो कि किस फॉर्म में होगा, https://, और आगे एक URL होगा, ठीक है कि जी वेदर और जो भी इसका नाम होगा .com/, ऐसे करके कुछ एक लंबा URL होगा। अच्छा जब इसके ऊपर रिक्वेस्ट जाएगी तो रिक्वेस्ट जब इंटरनेट पे जाती है तो उसको वापस आने में लगता है टाइम। तो हम क्या करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर हम देन बता देते हैं कि अच्छा जी जब रिस्पॉन्स वापस आ जाए तो क्या करना है। तो ये देन आ गया ये वाला, मैंने कहा कि जी इसके अंदर क्या करो आप console.log response कि जो भी रिस्पॉन्स आया है इंटरनेट से उसको क्या कर दो, कंसोल करा दो, response.data कर देता हूँ मैं, ठीक है। रिस्पॉन्स जो है वो ओवरऑल रिस्पॉन्स होता है, डेटा क्या होता है, उस रिस्पॉन्स में जो डेटा मुझे मिला है वो डेटा होता है। अच्छा फिर देन के अलावा मेरे पास होता है कैच, कैच कब चलता है, अगर कोई सर्वर से सक्सेसफुल रिस्पॉन्स आया तो देन चलता है, एरर वाला रिस्पॉन्स आ जाए तो कैच चलता है। ऐसा भी हो सकता है ना कि सर्वर सामने से मना कर दे कि नहीं भाई मैं तो नहीं दे रहा है ना, तो सामने से वो एरर दे दे, सही है। अच्छा क्योंकि बाय द वे हर किसी को वो देगा नहीं, हम यहाँ से एक भेजते हैं साथ में आइडेंटिटी टोकन जिससे वो पहचानता है कि अच्छा ही अपना बंदा है, तो अगर वो आइडेंटिटी टोकन मैंने गलत भेज दिया या कुछ गड़बड़ हो गई ऐसी तो वो सामने से बोलता है कि जी 401 के आपका टोकन सही नहीं है, अनऑथेंटिकेटेड समथिंग लाइक दैट, तो किसी भी किस्म का वो एरर हो सकता है
सर्वर के रिस्पांस में, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सर्वर से जो रिस्पांस आए वो सक्सेसफुल हो, ज़रूरी नहीं है। तो इस वजह से जब भी हम कहीं इंटरनेट पर रिक्वेस्ट करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, देन और कैच का दोनों का इस्तेमाल करते हैं, और दोनों के अंदर मैं लॉजिक पहले ही लगा देता हूँ कि अगर सक्सेसफुल रिस्पांस आए तो क्या करना है, एरर का रिस्पांस आए तो क्या करना है। तो एरर का रिस्पांस आने की सूरत में मैं क्या करूँगा, एरर डॉट डेटा पहले तो लगा दूंगा यहाँ पे, और दूसरा अलर्ट लगा दूंगा मैं, या मे बी अलर्ट की जगह मैं क्या करूँ, यहाँ पे एक मैं बना देता हूँ रिस्पॉन्स, वो रिज़ल्ट का एक डिव बना देता हूँ ना, मैं एक डिव बना देता हूँ जिसमें मैं आईडी लगा देता हूँ कि जी रिज़ल्ट है ये, ठीक है। तो मैं रिज़ल्ट के अंदर क्या बोलता हूँ कि जी ये एरर हो गया, मैंने कहा कि जी डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और जो मेरा रिज़ल्ट है डॉट इनर HTML equals to error in getting weather data, सही है, ये मैंने लिख दिया कि जी इसके अंदर जाके ना रिजल्ट के अंदर इनर HTML को जाके चेंज कर दो कि एरर हो गया। अच्छा यहाँ पे मैंने क्या किया, सेम चीज़ मैंने यहाँ पे भी की सक्सेसफुल रिस्पॉन्स में, मैंने कहा कि जी रिजल्ट में क्या लिख दो जाके कि भाई WATH weather data successfully retrieved। अच्छा अभी तो मैंने ये सिर्फ लिख दिया कि भाई वेदर का डेटा मुझे मिल गया, सही मिल गया बिल्कुल। तो अब जाके ज़रा हम एक चीज़ तलाश कर लेते हैं कि जी वो कौन सा सर्वर है जहाँ पे हम रिक्वेस्ट भेजेंगे तो हमें वेदर का डेटा मिल जाएगा, ठीक है। तो वो हमारे पास है हमारा जी ओपन वेदर, ओपन वेदर मैप के नाम से एक API है, तो जी यहाँ पे मैं कर लेता हूँ साइन अप, ये इसका लोगो है भाई, इसको देख लो इस तरह का है ये, इसमें आपने साइन अप करना है, मैं पहले से साइन अप हूँ तो मैं जस्ट लॉगिन करूँगा, लॉगिन करते हुए मैंने ये अपना ईमेल पासवर्ड डाला, लॉगिन कर दिया, और लॉगिन करने के बाद हैं क्या हो रहा है इसको, ये थोड़ा ठंडा चल रहा है ये, अच्छा साइन इन हो गया जी। अब यहाँ पे साइन इन करने के बाद ना API की मुझे सबसे पहले तो चाहिए ना, यहाँ पे मैं टैब में ना API की पे क्लिक किया मैंने, ये मेरे पास API की एक मौजूद है, इसको मैंने कॉपी कर लिया यहाँ से, और कॉपी करके ना मैंने जाके यहाँ पे पहले तो इसको अपने कोड के पास रख दिया, क्योंकि इस API की का इस्तेमाल मुझे करना है। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि जी वो कौन सा URL है जिस पे मुझे रिक्वेस्ट करनी है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा टॉप पे APIs लिखा हुआ है ना, इधर जाऊँगा मैं, और APIs पे जाने के बाद जो करंट वेदर वाली जो API है ना वो फ्री है, बाकी सारी पेड है इसकी, ठीक है जी। करंट वेदर वाला जो है ना ये, इस पे मुझे जाना है, मैं API डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूँगा, और API डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद ये है वो URL जिस पे मैंने रिक्वेस्ट करनी है, ठीक है। इस पे रिक्वेस्ट करने का तरीका क्या है कि जी इस जगह पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड देना है मुझे, और ऐप ID करके ना मुझे वो API की देनी है, ठीक है, जब ही मुझे ये वेदर का डेटा देगा, अदरवाइज ये मुझे नहीं देगा। तो मैं इस पूरे URL को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं ला के इसको क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा अब ये इसको मैं ES6 का टेम्पलेट स्ट्रिंग बना लेता हूँ, ताकि दरमियान में मैं क्या कर सकूँ, ये मैंने बैकटिक वाला इसको बना दिया, बैकटिक वाला बनाने के बाद मैंने क्या किया, इसको बना दिया कि जी टेम्पलेट होगा इसमें लैट आ जाएगा, टेम्पलेट होगा इसमें लॉन्गिट्यूड आ जाएगा, और नंबर 3 यहाँ पे एक टेम्पलेट होगा जिसमें API की आ जाएगी। तो मैं एक वेरिएबल यहीं पर बना लेता हूँ, मैं कहता हूँ लेट API की इक्वल्स टू दिस, ठीक है, API की इक्वल्स टू स्ट्रिंग। अब ये API की मुझे दरमियान में डालनी है ना, उसके मुझे क्या करना है, इस API की को यहाँ इसके दरमियान में डालना है, तो मैं ये वेरिएबल यहाँ लिख दूंगा आगे। ये समझ आ रहा है सबको कैसे हो रहा है? अच्छा मैं ऐसे भी लिख सकता था डायरेक्ट, मैं डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकता था, अगर डायरेक्ट लिखूंगा ना मैं तो ये सिंगल कोट नहीं आएगा इसके अंदर, ये भी ध्यान में रखना। ये कोड मैं पुश कर दूंगा, वैसे कोई इशू नहीं है। अच्छा अच्छा ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के अलावा भी ना इसमें एक तरीका होता है, क्यू करके होता है ना, क्यू करके आप सिटी का नाम दे सकते हैं। अब क्यू करके ना मुझे यहाँ पे देना है कराची मिसाल के तौर पे, लेकिन कराची नहीं देना है मुझे, मुझे वो देना है जो यूज़र ने इनपुट दिया है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा,
सिटी नेम लिखूंगा मैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब ये मेरा मसला क्या हो चुका है, हल हो चुका है कि सिटी नेम दे दिया मैंने और साथ में API की दे दी इसको। तो अब इसको क्या करना चाहिए, वेदर का डेटा मुझे रिटर्न करना चाहिए, ठीक है जी। अब आ जाते हैं, देख लेते हैं क्या होता है। जो भी वेदर का डेटा आएगा वो इस console.log में प्रिंट हो जाएगा। इतना सब लोगों को समझ आ रहा है कैसे हो रहा है ये? ये क्यों असल में ना इस API के डॉक्यूमेंट में इन्होंने एक जगह पे मेंशन किया हुआ है भाई, वेदर जब वेदर की API कॉल करेंगे तो कहाँ का वेदर चाहिए, तो इसने बाई डिफॉल्ट लगाया हुआ था लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, है ना, जो आपका GPS के कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो लगाए हुए थे। तो वो GPS के कोऑर्डिनेट तो हमारे पास नहीं है फिलहाल, तो वो क्यू करके सिटी नेम देना भी इसमें अलाउड है, वो इनके API डॉक्यूमेंट में मेंशन हुआ हुआ है, ठीक है। वो API डॉक्यूमेंट में पूरा अंदर नहीं जाते फिलहाल हम, ये मैंने वैसे ही लिख दिया है क्योंकि मैं कई दफ़ा इस API को इस्तेमाल कर चुका हूँ और मुझे ये याद हो गया है कि अच्छा जी क्यू करके भी हो जाता है ये। आते हैं जी हमारी वेब एप्लीकेशन में और इसको रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश करके मैंने यहाँ पर लिखा जी कराची और गेट वेदर का बटन दबाते ही यहाँ पे आप देखें क्या हो गया, वेदर का डेटा यहाँ पे आ गया मेरे पास, ठीक है। अब देखो वेदर का डेटा जो है वो क्या है, इज़ एन ऑब्जेक्ट, जो भी रिस्पॉन्स डॉट डेटा था, अब डेटा के बाद है डॉट क्लाउड्स डॉट ऑल, इसी तरह डॉट कोऑर्डिनेट्स डॉट लैट डॉट लॉन्ग, इसी तरह डॉट मेन डॉट टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा, इसने टेम्परेचर अभी दिया है केल्विन में, ठीक है। इसको भी ना एक इनपुट हमें देना पड़ता है, यहाँ पे एक लिखा हुआ होगा कि जी यूनिट्स इसको मुझे बताना पड़ेगा कि मैट्रिक चाहिए मुझे, ठीक है। तो ये फिर वो तीन यूनिट है, स्टैंडर्ड है, एम्पीरियल है और मैट्रिक है। अभी ये एम्पीरियल वाले पे लेकर आया, आई थिंक एम्पीरियल में होता है ना केल्विन। तो मैं यहाँ पे एक लगाऊंगा M% और मैं लगाऊंगा कि जी यूनिट्स इक्वल्स टू मैट्रिक METRIC, ठीक है। तो मैंने ये क्या लगा दिया, यूनिट इक्वल्स मैट्रिक्स लगा दिया, ठीक है जी। आगे देखते हैं जी, अब मैंने दोबारा इसको रिफ्रेश किया, कराची गेट वेदर, अब देखते हैं मेन में क्या लाया है। अब ये सेंटीग्रेड में लाया है, ठीक है, 24 है, 23 है, प्रेशर बता दिया, मिनिमम बता दिया, मैक्सिमम बता दिया, ठीक है जी। तो अब मैंने क्या करना है, इस लाइन में जो ये मैंने लिखा है ना कि वेदर डेटा सक्सेसफुली रिट्रीव्ड, इस जगह पे मुझे अब क्या दिखाना है कि करंट टेम्परेचर इज, और उसके अंदर ये टेम्प वाली बात डिस्प्ले करा देनी है। हो सकता है ये काम, आ जाओ करके देखते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो टेम्पलेट बना दूंगा ES6 वाला, इसको है ना ES6 टेम्पलेट बनाऊंगा ताकि बीच में एक वेरिएबल डालना है ना मुझे, ये करंट टेम्परेचर इज और फिर 23। तो मैंने लिखा कि जी करंट टेम्परेचर इज, और उसके बाद अब यहाँ पे मैं क्या बात लिखूँगा, यहाँ पे मैं पहले तो लिखूँगा कि रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट, अब डेटा के अंदर क्या था, ये पूरा का पूरा ना रिस्पॉन्स डॉट डेटा है। अब इसके अंदर जो है सबसे पहली चीज़ जो है वो क्या है, बेस है, क्लाउड है, कॉर्ड है, कॉर्ड हमें मेन के अंदर चाहिए, मेन के अंदर हमारा डेटा, तो डॉट मेन लिख दूंगा मैं यहाँ पे आके, मैं डॉट मेन लिख दूंगा, फिर डॉट, अब आगे क्या लिखना है, मेन के अंदर गया मैं, मेन के अंदर है टेम्प, तो ये मैंने यहाँ पे टेम्प लिख देना है आके। तो ये काम हो गया मेरा, ज़बरदस्त, ओके, बेहतरीन काम हो गया ये। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको आके, कराची एंटर, एरर गेटिंग में क्या हो गया, नहीं रिस्पॉन्स तो सही आया, मैंने कुछ गड़बड़ वहाँ कर दिए। अच्छा वो रिस्पॉन्स RESPONS पूरा है वो ना, रिस्पॉन्स पूरा है वो, सही है, करंट टेम्परेचर इज 23.9। अच्छा अब मुझे यहाँ पे एक बात और लिखवानी है, हाँ सेंटीग्रेड जो है ना वो किस तरीके से होगा कि यहाँ पे मैं सेंटीग्रेड लिख दूंगा आगे, यहाँ पे मैं बड़ा सा सी लिख दूंगा, यहाँ पे एक छोटा सा मैं कॉलन लगा दूंगा, है ना, हो गया सही। एंटर, तो ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ रहा है। अच्छा मुझे अगर ये भाई सिंगल कॉलन शायद इतना मज़ा नहीं करा रहा है, अब मुझे डिग्री चाहिए,
अब डिग्री तो मेरे कीबोर्ड में कहीं है नहीं, अब मैं डिग्री कहाँ से लाऊँ? तो चलो आओ यहाँ लिखते हैं, हाँ यहाँ से इसको उठा लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, सही है ना? ये देखो ये चुनने उनने को मैंने कॉपी कर लिया है, सही है, और यहाँ लगे मैंने पेस्ट कर दिया, सही है। तो अब आई होप ये चल जाएगा सही बिल्कुल। कोई भी कैरेक्टर आपके कीबोर्ड में नहीं हो ना अगर, तो वो आप ला सकते हैं। ये आ गया जी 23.9, सही है। अच्छा अब मुझे क्या करना है, इस जुमले को मज़ीद मॉडिफाई करना है। मैंने इसको क्या लिखना है कि करंट वेद करंट टेम्परेचर ऑफ कराची इज 23। अब ये मैं कैसे करूँगा, यहाँ पे मैं करंट टेम्परेचर करके ऑफ लगाऊंगा और उसके बाद एक टेम्पलेट मैं यहाँ पे और बना दूंगा। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, सिटी नेम भी लिख सकता हूँ मैं, लेकिन सिटी नेम से भी काम तो मेरा हो जाएगा, सही है कराची, लेकिन आइडियली मुझे क्या लिखना चाहिए यहाँ पे, इस डेटा के अंदर भी मेरे पास एक सिटी नेम आता है, ठीक है, मुझे वो लिखना चाहिए। तो मैं यहाँ पे तलाश करता हूँ मेन, नहीं मेन मेन में नहीं है, डायरेक्ट डॉट नेम है, डायरेक्ट डॉट नेम है ये, सही है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट नेम, सही है, डायरेक्ट लिख दूँगा मैं कराची, ठीक है, सिटी ऑफ कराची इज दिस दिस दिस। अच्छा ये किसी भी लाहौर का भी लिख सकता हूँ मैं, तो वो भी लाएगा ये, ठीक है, ये किसी भी दुनिया के जितने भी सिटीज़ हैं सबको ये सपोर्ट करता है। अच्छा जी अब यहाँ पे मुझे और क्या काम करवाना है, इसी तरह मैं मिनिमम मैक्सिमम भी लगा सकता हूँ बिल्कुल, ठीक है ना। और मेरे पास क्या आइटम है, ठीक है, विंड की स्पीड वगैरह मेरे पास मौजूद है, हाँ वो भी है इसके अंदर, ठीक है। कंट्री देखो पीके लिखा हुआ रहा है साइड में, मैं ये भी दिखा सकता हूँ कि जी पीके है, सनराइज सनसेट कब होता है वो आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। फील्स लाइक ह्यूमिडिटी ये सब कुछ आ रहा है इसमें, ओके अच्छा ये आ गया जी क्लियर, ये जी क्लियर आ गया मेरे पास, स्काई जो है ना क्लियर है इस वक्त। कहाँ का ये मंगवाया था मैंने, हाँ ये लाहौर के अंदर ये बता रहा है स्काई क्लियर है, और आइकन का एक नाम बता रहा है ये, नोट करो आइकन का एक नाम बता रहा है ये, नहीं 01D है ये, ये 01D एक आइकन का नाम है और आइकन की आईडी भी बता रहा है ये, और एक लिखा हुआ रहा है क्लियर। तो हम ये डिस्क्रिप्शन और ये मेन इसको भी दिखा सकते हैं, है ना, इसको इस रिजल्ट में स्क्रीन पर दिखा सकते हैं, ठीक है। विंड की स्पीड जो है ना किस डिग्री पे है वो हम दिखा सकते हैं, 330 डिग्रीज पे है ये, यानी नॉर्थ से 330 जो डिग्रीज जो भी बनता है। अब ये किलोमीटर पर आवर ये मैट्रिक में क्या होता है, किलोमीटर होता है माइल होता है, किलोमीटर ही होता है आई थिंक, नहीं वो तुम देख लेना ना कि मैट्रिक में क्या होता है, किलोमीटर होता है या माइल होता है। दो सिस्टम है ना, एक इम्पीरियल एक मैट्रिक है, तो मेरा ख्याल है कि एक लीटर होता है और एक वो होता है जैसे फुट होता है एक और इंच होता है, तो वो वाला एक मीटर होता है एक फुट होता है, सॉरी। हाँ वो ये इसमें आएगा ना मेन में आएगा, जो ये मेन लिखा हुआ है ना इसकी जगह पे वो आएगा। अच्छा वेल तो अब देखो आइकन ना यहाँ पे कहीं API डॉक्यूमेंट में कहीं आइकन आ रहा होगा, ऐसे अलग से लिख लेते हैं ना, ओपन वेदर मैप आइकन्स, तो वो मुझे डायरेक्ट गूगल लेके चला जाएगा, ये रहा वेदर कंडीशंस में जाके ना, अरे कहाँ चला गया, अच्छा ये मैंने सेकंड वाले पे कर दिया ना, हाँ ये वेदर कंडीशंस के ऊपर ही आ रहा है। ये देखो भाई ये कह रहा है ना कि आपको ना URL ऐसे होगा, ये URL होगा, सही है, और ये 10D आपने क्या नाम लिखा है, ये आइकन का नाम लिखा है आपने 10D। अब यहाँ पे देखो ये 01N 02N, अब ये हर तरह के वेदर के कंडीशन के लिए ना ये पूरा बनाया है इन्होंने, ठीक है, ये 10D है, ये 13D है, ये 50D है, सारे नाम बनाए हुए। अच्छा इसने क्या बोला, इसने बोला भाई आपको ना कुछ इस तरह से मिलेगा, जो आइकन का नाम है ना वो ऐसे मिल रहा होगा आपको,
आपने क्या करना है, आपने ये URL सेम रखना है, जस्ट ये इतना पार्ट जो है ना 10D वाला ये आपने चेंज कर देना है आपका जो भी आइकन होगा उसके नाम से, तो आपको क्या हो जाएगा वो वाला आइकन मिल जाएगा URL में। मिसाल के तौर पे इस URL को अगर मैं पेस्ट करता हूँ यहाँ पे जाके, पता है ना IMG में SRC करके लगा देते हैं इसको, तो देखो मुझे ये वाला URL मिल रहा है। अच्छा मेरे पास कौन सा आया था वो नाम उसका 01D आया था, तो मैं आके इसको क्या करता हूँ मैं 01D लगा देता हूँ 01D, तो 01D के ऊपर ये आइकन है वो क्लियर वाला, मतलब सूरज दिख रहा है इसका, जापानी झंडा है। अच्छा जी, तो अब आपने क्या करना है, आपका जो टास्क है वो क्या है, आपका जो टास्क है वो ये है, ठीक है, ये आपका टास्क है। और देख लेते हैं जी, ये आपका टास्क है, ठीक है, और ये आपका टास्क है, सही है। ये मैंने डिफरेंट वेदर की एप्लीकेशंस खोली हैं, नहीं पूरा नहीं, मैं तो अभी सुन तो लो पूरा, पहले ही एग्जांपल्स तो देख लो। वेदर लिखता हूँ ना जब गूगल पे मैं, तो डिफरेंट वेदर की एप्स आ जाती हैं टॉप की जो है। आपको क्या करना है, इन वेदर ऐप से जाके इंस्पिरेशन लेनी है कि ये भाई वेदर का डेटा तो आ गया ना जेसन में आपके पास, उसको आपने डिस्प्ले करवाना है, उसको आपने डिस्प्ले करवाना है। तो अब आपने क्या करना है, उसको अच्छी सी UI एक बनानी है। पहले तो ये डिसाइड करना है कि स्क्रीन पे होना क्या क्या चाहिए और कैसे होना चाहिए, पहले तो ये डिसाइड करना है। वो जब आप डिसाइड कर लेंगे तो फिर इन एप्लीकेशंस में से जाके आपने अच्छी सी इंस्पिरेशन लेनी है, और अच्छी सी इंस्पिरेशन लेके आपने UI डिज़ाइन करनी है, ठीक है। मोबाइल ऐप भी एक शक्ल दिखा देता हूँ मैं आपको कि जी मोबाइल ऐप में ये मामलात कैसे चल रहे हैं। ठीक है जी, ये मोबाइल ऐप की एक स्क्रीन है, ये करंट टेम्परेचर सामने आ रहा है, ऊपर टॉप पे कराची लिखा हुआ है, मोस्टली सनी है, हाई और लो दिखा रहा है साथ में ये, और ये आवरली वेदर दिखा रहा है ये हर घंटे का। मिसाल के तौर पे अभी राइट नाउ लिखा हुआ है कोने पे 22, कि नाउ 22 है, 8 AM उसके बाद 9 AM, ठीक है, ये देख रहे हो 8 AM, 9 AM, 10 AM, 11 AM, अब ये पूरा अगले 24 घंटे का मुझे वेदर दिखा रहा है, ठीक है। तो ये आवरली हो गया मंजन ये, उसके बाद ये आ गया डेली फॉरकास्ट के, टुडे क्या है जी 21 है और हाई और लो बता रहा है, ठीक है। ये क्या हुआ इसमें, अबे क्या हो गया इसको, ये ऐप को तो मैंने बंद करके खोल दिया, ये पता नहीं क्या हो गया इसको, चला। अच्छा जी, अब ये देख रहे हो डेली मुझे बता रहा है कि जी टुडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे, अब ये डेली का मुझे बता रहा है कि जी मिनिमम क्या होगा मैक्सिमम क्या होगा। और अब आप जाते जाओ ये प्रेसिपिटेशन बता रहा है हमें, अच्छा हमारी API में ना प्रेसिपिटेशन का इतना अच्छा डेटा नहीं मिलता जितना इसको जहाँ जितना ये दिखा रहा है कि जी 23। अच्छा उसके अलावा UV इंडेक्स मुझे दिखा रहा है कि जी 1 है हमारे पास, सनराइज सनसेट को एक सर्टन वे में दिखा रहा है कि जी अभी सूरज कहाँ पर है वो एग्जैक्टली मुझे दिख रहा है इसके अंदर, और 6:50 PM पे जो है वो सनसेट होगा। विंड की डायरेक्शन अगर आप देखो यहाँ पे, तो एक सर्टन वे में ना विंड की डायरेक्शन भी बता रहा है, मुझे मिल तो रहा है डिग्रीज में, 0 से लेके 360 तक होता है ना डिग्रीज, नॉर्थ से शुरू होता है, नॉर्थ में पबजी खेलता है उसको पता होगा ऊपर आ रहा होता है नंबर, है ना, तो ये वही है। तो एक सर्टन वे में दिखा रहा है कि अच्छी नॉर्थ की तरफ अगर आप अपना कंपास करके खड़े होंगे तो आपकी हल्का सा राइट हैंड हल्का सा लेफ्ट हैंड की तरफ से हवा सामने से आ रही होगी, ठीक है। तो इसको प्यार से बोलते हैं कि योर 11 o'clock, तो ये 11 o'clock से हवा आ रही है। प्रेसिपिटेशन कितने इंच बारिश होगी क्या होगा, फील्स लाइक को इन्होंने एक सर्टन वे में यहाँ पे दिखाया हुआ है कि जी फील्स लाइक 24, ह्यूमिडिटी का परसेंटेज दिखाया हुआ है, विजिबिलिटी माइल में शो कर रहे हैं, प्रेशर को एक सर्टन वे में शो कर रहे हैं ये, ठीक है जी। तो ये इंस्पिरेशन आपको इन तमाम ऐप्स में से, मोबाइल ऐप बहुत सारी होती हैं वेदर की, कोई भी एक खोल लेना, ये बिल्ट इन ऐप है जो आईफोन में जो है डाल के देते हैं ये एप्पल वाले, तो बड़ा अच्छा ऐप है,
मतलब मैं बड़ा उसको देख के वो होता हूँ फैसिनेट किया यार क्या बेहतरीन टाइम लगाया डिज़ाइन किया उसको तो. लेकिन बहुत अच्छी ऐप्स और एक्कू वेदर वालों की भी ऐप है वो भी बड़ी अच्छी ऐप है. मैं जब एंड्रॉयड यूज़ करता था तो मैं एक्कू वेदर वालों की ऐप यूज़ करता था. वो क्या करती है पूरे अगले महीने तीन महीने चार महीने का भी बता देती है. तो मतलब कभी अगर कोई ट्रिप व्रिप प्लान करना तो एक्कू वेदर बहुत सही है उसके लिए. ये इतने आगे का नहीं बताता. अच्छा बाय नहीं करना पड़ेगा. इसके अंदर एक और भी है फ्री में ना दो हैं इसमें. मैं इसमें दिखा देता हूँ आपको ये क्या चक्कर है. ओपन वेदर मैप में अगर मैं जाऊँगा ना तो प्राइसिंग में जाके इसकी मैं जाऊँगा प्राइसिंग में. यहाँ पे दो एपीआईज इनकी फ्री है ना बाकी सारी पेड हैं. चलते हैं जी प्राइसिंग में. करंट वेदर और थ्री आवर फॉरकास्ट. हाँ जीपीएस से लोकेशन उठाता है. हमें इनपुट लेना है लेकिन जीपीएस से भी ले सकते हो. गूगल कर लेना कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जीपीएस. अच्छा जीपीएस से जब डेटा आता है ना आपके पास तो लेट और लॉन्ग की सूरत में आता है. तो जैसी ऐप ओपन हो आपकी तो वो फॉरन लोकेशन पूछेगा कि वुड यू लाइक टू शेयर योर लोकेशन. यस करोगे तो फॉरन पकड़ लेगा उसको वो. ठीक है तो करंट वेदर के साथ साथ थ्री आवर फोरकास्ट भी है इसमें. थ्री आवर फोरकास्ट फॉर फाइव डेज. ये पाँच दिन का आपको फोरकास्ट भी बताएगा तीन तीन आवर के वक्फे से. ठीक है आवरली नहीं बताएगा. जो आवरली है वो पेड है. जो डेली है वो पेड है. ये सारे पेड हैं. ठीक है वेदर मैप भी आप इससे गेट कर सकते हैं. वेदर मैप जो वो प्रेसिपिटेशन पे पूरा मैप दिखा रहा था ना कि किस जगह पे कितनी बारिश होने वाली है तो वो भी आप फ्री में. और वेदर डैशबोर्ड पूरा आप गेट कर सकते हैं. ठीक है एयर पोल्यूशन वगैरह चेक कर सकते हैं इससे. वेदर की विजिट पूरी गेट कर सकते हैं. ठीक है जी तो ये इसके फ्री वाले में जितना आइटम है ना ये आप कर सकते हैं. वेल अगर आप सिर्फ करंट वेदर को गेट करके भी अगर अच्छे से यूआई आप तैयार कर लेते हैं तो ये आपका पोर्टफोलियो है. ये किसी को भी आप दिखाएंगे ना तो वो इम्प्रेस होना चाहिए उसको. ठीक है कि मतलब इतना आपको आ गया है कि देखो इस ऐप में क्या हो रहा है. जावास्क्रिप्ट सारी इस्तेमाल हो रही है. एचटीएमएल सारी इस्तेमाल हो रही है. डेटा इनपुट आउटपुट हो रहा है सर्वर से डेटा आके और उसका बाकायदा उसको मैप किया हुआ है अपने स्क्रीन के ऊपर. ठीक है सीएसएस का इसमें इस्तेमाल हो रहा है. तो काफ़ी कुछ है. तो अगर ये ऐप अगर सिर्फ करंट वेदर को भी आप अच्छे से गेट करके और अच्छी सी एक ऐप बना लेते हैं तो ये आपके इंटर्नशिप पक्की हो जाएगी. सही है जी. चलें इंशाल्लाह फिर मुलाकात रहेगी नेक्स्ट क्लास में इस ऐप के साथ.